जी हाँ दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के चौथे टेस्ट से पहले इंग्लैंड के सबसे एक्सपीरियंस और तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन की संन्यास की खबरें सामने आ रही हैं। आप सभी को बता दें कि इंग्लैंड के पूर्व गेंदबाज स्टीव हार्मिसन ने जेम्स एंडरसन को लेकर एक बहुत बड़ी बात और भविष्यवाणी की है। उनका कहना है कि इस टेस्ट सीरीज के बाद एंडरसन संन्यास ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि विराट कोहली के साथ उनकी राइवलरी आप जानती होंगे। अब उनका अनुमान है कि भारत के खिलाफ पांचवा टेस्ट मैच एंडरसन का करियर का आखिरी टेस्ट मैच हो सकता है। इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज हार्मिसन ने इसके बारे में टॉक स्पोर्ट से बात करते हुए कहा कि एंडरसन ने इंडिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के काफ़ी अच्छी गेंदबाजी कर शानदार परफॉर्मेंस किया है। ऐसे में उनका मानना है कि अब उनके लिए संन्यास लेने का ये सबसे सही समय है, क्योंकि इससे बेहतर समय क्या ही हो सकता है, क्योंकि इंग्लैंड के मैदान पर मुकाबले हैं, उनके घरेलू मैदान हैं, यहाँ से उनको सम्मान के साथ विदा मिलेगी। एंडरसन ने दुनिया के बेस्ट बल्लेबाज विराट कोहली को भी अपनी गेंदबाजी से काफ़ी परेशान किया, इसलिए वह अगर अपने करियर का अंत करते हैं तो यह उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट टाइम होगा। एंडरसन के अब तक हुए 3 टेस्ट मैचों में 13 विकेट चटका चुके हैं। वह सीरीज में काफी अच्छे लय में है, साथ ही उन्होंने इस सीरीज में भारत के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों को लगातार परेशान किया। वहीं भारत के खिलाफ आखिरी और पांचवा टेस्ट एंडरसन के घरेलू मैदान ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला जाएगा। ऐसे में हार्मिसन का मानना है कि इस 39 वर्षीय खिलाड़ी के लिए घरेलू दर्शकों के सामने रिटायरमेंट लेना काफ़ी यादगार साबित हो सकता है। हालांकि एंडरसन अपने कई इंटरव्यू में कहते नजर आए कि वे ऐसे सीरीज जो कि 8 दिसंबर से शुरू होगी उसमें खेलते नजर आ सकते हैं। टेस्ट सीरीज की बात करें तो भारत और इंग्लैंड की 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला चौथा मैच 2 सितंबर से शुरू होगा जो ओवल में खेला जाना है। अभी तक सीरीज 1-1 की बराबरी पर है, लेकिन दोस्तों अगर ऐसे में एंडरसन संन्यास लेते हैं तो आगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के और भी मुकाबले होंगे जो 2023 तक चलेंगे। उसमें दोस्तों कोहली जब इंग्लैंड से टकराएंगे तो यहाँ पर एंडरसन नहीं मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं वो भी राहत की सांस लेंगे और बाकी बल्लेबाजों को भी इन्होंने बहुत परेशान किया है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।